नमस्ते, द गोल पोस्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। प्रीव्यू ऑफ मैच वीक 6 इंग्लिश प्रीमियर लीग। द इंग्लिश चैंपियंस अप अगेंस्ट द चैंपियंस ऑफ यूरोप, आर्सेनल वर्सेस स्पर्स। द फर्स्ट लॉस लंदन डर्बी ऑफ द न्यू प्रीमियर लीग सीजन। द रेड डेविल्स अप अगेंस्ट एस्टन विला। कैच ऑल ऑफ इट राइट हियर राइट नाउ एट द गोल पोस्ट। मैनचेस्टर सिटी अपने चैंपियंस लीग फाइनल्स के हार का बदला लेने की कोशिश करेगी व्हेन दे ट्रैवल टू चेल्सी ऑन द 25th सितंबर इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। चेल्सी हैज बीन ऑन अ रोलर कोस्टर राइड एज द ब्लूज आर करंटली टॉपिंग द प्रीमियर लीग टेबल जॉइंटली विद लिवरपूल। टॉटनहैम पे 3-0 के जीत के बाद मैनचेस्टर सिटी हैज फेल्ड टू रेप्लिकेट देयर लास्ट सीजन्स फॉर्म एंड प्लेड अ गोललेस ड्रॉ अगेंस्ट साउथहैम्पटन। मार्कस अलोंसो एंड सीजर अस्पिलिक्वेटा विल फिल इन एज द टू विंग बैक्स, व्हाइल एंड्रियास क्रिस्टेंसन, एंटोनियो रुडिगर एंड थियागो सिल्वा विल मैन द थ्री लाइन डिफेंस। Mateo Kovacic and Jorginho will pick up the two positions in midfield. Mason Mount and Kai Havertz will start just behind Romelu Lukaku, jin pe ummeed hai ki English champions ke khilaf apni team ko lead karenge. City are currently fifth in the Premier League table and Grealish and Sterling will have the onus to lead the side against the Blues. Ederson will be in between the sticks. John Stones and Ruben Dias पे जिम्मेदारी है कि सारी चेल्सी के अटैक्स को विफल करें। Fernandinho will act as a defensive shield just in front of the back line. Ilke Gundogan and Bernardo Silva will start in the advanced midfield position. Chelsea to win it easy by 2-1. Arsenal welcome Tottenham Hotspurs to the Emirates Stadium next Sunday in the first North London Derby of the new Premier League season. Arsenal काफी नीचे थे और Spurs ऊंचाइयां छू रहे थे in the international break. But Mikel Arteta's side would move level on points with their rivals with victory at the Emirates Stadium. Over the last week's performance, Arsenal are favourites. Tottenham conceding 8 in a week. जवाब आपका आर्सेनल होगा, लेकिन मानना पड़ेगा कि टॉटनहैम की टीम में अब भी क्वालिटी है। Gunners, beware of the quality Nuno Espirito Santo has at his disposal and how Son Heung-min and Harry Kane can represent a big problem. Kieran Tierney was forced off with cramp against Burnley and may not be ready. But Nuno Tavares left back से शुरू करते हुए उम्मीद रखते हैं। Granit Xhaka serves the third and final game of his ban following his red card against Manchester City, जहां स्विट्जरलैंड के स्किपर अपनी खेल की वापसी करते हुए दिखाई देंगे इस वीकेंड की नॉर्थ लंदन डर्बी टॉटनहैम हॉटस्पर्स के खिलाफ। स्पर्स टू वॉक होम विनर्स विद अ 2-0 स्कोर। द रेड डेविल्स फिलहाल अजय हैं लीग में और वो भी 3 मैच के अनबीटन रन से। विला मस्ट हैव टेकन नोट ऑफ हाउ साउथहैम्पटन यंग बॉयज एंड वेस्ट हैम यूनाइटेड मेड द रेड डेविल्स टॉयल हार्ड एंड वन कैन एक्सपेक्ट द विला मैनेजर टू प्लान अकॉर्डिंगली। लाइफ हैजंट बीन स्मूथ विदाउट जैक ग्रिलिश, बट द अराइवल ऑफ डैनी इंग्स एंड एमिलियानो बुएंडिया ने काफी अच्छे तरीके से क्लब को एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। बट द लाइक्स ऑफ पॉल पोग्बा, ब्रूनो फर्नांडेज, सांचो एंड मेसन ग्रीनवुड कैन डिमोलिश द विला बैकलाइन इफ दे आर प्रोवाइडेड विद इनफ रूम टू पेनेट्रेट। यूनाइटेड के पास एक जबरदस्त अटैकिंग यूनिट है एंड द लाइक्स ऑफ एडिनसन कावानी एंड मार्कस रैशफोर्ड आर येट टू गेन फुल फिटनेस दिस सीजन। एक्सएल तुआन ज़ेबे अपनी पेरेंट क्लब के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे और इसीलिए कॉर्टनी हाउस को इस गेम में खेलने की मंजूरी मिलनी चाहिए। ही विल बी इन चार्ज ऑफ द विला डिफेंस अलोंगसाइड टायरन मिंग्स एंड एज़री कॉन्सा। द डेविल्स लुकिंग टू विन इट 2-1। शुक्रिया दोस्तों आज का एपिसोड देखने के लिए।
उम्मीद है इस कोरोना काल में आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं।